ने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज सीन नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ ना जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। क्या मुसीबत है बाबा? अच्छा तो अब मैं मुसीबत हो गई हूँ? अरे नहीं बाबा, तुमको नहीं बाबा, मुल्क के हालातों को मुसीबत कह रहा हूँ। मुल्क के हालात को क्या हुआ है? अरे बाबा कुछ ठीक नहीं हो, मैंने सोच लिया अब मुल्क से बाहर चले जाते हैं बस। बच्चों अगर एक एक करके सब मुल्क से बाहर चले जाएंगे तो मुल्क ठीक कौन करेगा? अरे बाबा क्या मुल्क ठीक करने का ठेका हमने लिया है? बिल्कुल, हकूमत के साथ साथ अवाम की भी बराबर की जिम्मेदारी होती है बच्चों। हाँ बाबा बात तो ठीक है मगर। ओफो अगर मगर कुछ नहीं, जब अच्छे लोग आगे ही नहीं आएंगे तो अच्छे की उम्मीद कैसे रख सकते हैं? अच्छा बाबा तो बस बाबा फिर ठीक है, हो गया फैसला। कैसा फैसला? यही कि बाबा मैं इलेक्शन में हिस्सा लूंगा और खुद मुल्क को ठीक करूंगा बाबा। वाह वाह बच्चू ये हुई ना बात। क्या हो गया, जाने बोला चाय क्यों लेकर आ गए? देख कर नहीं रहे मैं नाश्ता कर रही हूँ। यही तो बताने आया हूँ, बस करें नाश्ता। अरे बाबा मैंने खाया ही क्या है? खुदा को माने 5 पराठे खुद मैंने अपने हाथों से बना के दिए, इसके अलावा एक पूरी डबल रोटी, कल की बिरयानी और परसों का हलवा, इसके बाद गुंजाइश कहाँ बाकी रहेगी? और अब ये हलवा पूरी पापे और ये दाल कहाँ गुंजाइश रहेगी? ठीक है, वो रात को मैंने खाना नहीं खाया था ना इसी वजह से। रात का खाना इसलिए नहीं खाया, 2 दर्जन केले, 1 लीटर दूध, इसके बाद भला खाना तो क्या, पानी की भी गुंजाइश नहीं बाकी रहती। अरे बाबा छोड़ो ये सब। अच्छा जाने मैंने सुना है कि अदा सही इलेक्शन में खड़े हो रहे। अदा के बड़े भाई हैं कोई? अरे क्या हो गया है, मेरा इकलौता ही अदा है बाबा। तो मुझे क्या पता? अरे वो मेरे को बच्चा ही बता रही थी कि अदा सही इलेक्शन में लड़ रहा है। अरे मोहल्ले के बच्चों से तो लड़नी बात है, इलेक्शन क्या खाक लड़ेंगे। खैर अगर ऐसा कोई मामला है तो फिर मुझे ही हल करना पड़ेगा। ए हल लेता बड़ा आया तेरे को, जैसे बड़ा सियासत का बड़ा पता है। वाह जरीना वाह, अभी तू जानी को जानती नहीं है। अरे तू देखती जा, इलेक्शन मेरी वजह से ही बच्चों भाई जीतेंगे। अच्छा बाबा अगर ऐसी बात है तो चलो अदा के पास चल के उसको कुछ बातें तो बताओ। आओ जाओ जाओ तू। शुक्रिया, चाय भी ले आ दो ना। अच्छा छोड़ो चाय को। मेरी मेरे भाइयों और बहनों अगर मैं इलेक्शन जीत गया तो बच्चों आगे बोले ना। अरे बाबा मुझे ऐसे तकरीर करनी नहीं आती ऐसी माँ। ओफो बच्चों कोशिश तो करें। अदा सही मैं आपके लिए ना एक टीचर लेकर आई हूँ। जरीना क्या हो गया तुम्हें, बच्चे कोई इंटरमीडिएट के एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे, इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। अरे पता है इसीलिए बाबा पेशे खिदमत है ये। आ जाओ। अरे बाबा जानी हटो सामने से बाबा, इसने किसी टीचर को बुलाया, वो आ रहा होगा रास्ते में। अरे बाबा यही तो आपका टीचर है। अरे बाबा जरीना मैं मोहल्ले के चौकीदार का इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूँ। अदा साहिब आप जानी को पहचानते नहीं हो? अरे बाबा क्यों, जानी लाश है जो मैं इसको पहचानने से निकार करूंगा। बच्चू भाई मुझे बड़ा अच्छा खासा तजर्बा है सियासी कारकुनों को संभालने का। वाकई? हाँ बस नितने तरीके जैसा मैं आपको बताता हूँ आपने अमल करना है। अच्छा बाबा अगर ऐसी बात है तो फिर इलेक्शन की तैयारी अब से जानी करवाएगा बाबा। बच्चू भाई लेकिन एक मसला है, इलेक्शन में पैसे बहुत खर्च होते हैं। अरे तुम उसकी बिल्कुल फिक्र मत करो, बच्चों के इलेक्शन पे जो भी खर्चा होगा ना वो सब मेरी तरफ से। अरे वाह बाबा, अगर अदा सा इलेक्शन जीत गया तो अदा का कोई भी बंदा कोई काम टाल नहीं सकता। हाँ बाबा जब मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा तो मेरी बात कौन टालेगा? हाँ बाबा तो बस फिर मेरे किसी से ना शादी करा देना, वो आपकी बात टालेगा नहीं। मैंने बोला ऐसा क्या कह दे जो सब चलेंगे, इतनी मेहनत से जाने को तैयार भी कई इलेक्शन की, लेकिन देखो। Thank you.
बाबा जानी एक बात बताओ, हम इस गली में कर क्या रहे हैं? बच्चू भाई, अवाम में जाएंगे तो अवाम के मसाइल का पता चलेगा ना। बाबा जानी मुझे अब पता चला है तुम्हें वाकई सियासत के मामला का बहुत कुछ पता है बाबा। बस बच्चू भाई आगे आगे देखते जाए, बस जैसा मैं कहता हूँ ना वैसे करें आप। अच्छा बाबा अब करना क्या है ये बताओ। अरे भाई अवाम में जाएंगे ना, उनके मसाइल का पता करेंगे, बल्कि एक काम करेंगे लिस्ट बना लेंगे। हाँ बाबा ठीक है, चलो बाबा इधर ये वाला। हाँ भैया, सुना आप इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं? हाँ जी। तो मेरा भाई ये पाइप वगैरह तो काम करवा दो, ये पड़े हुए हैं, इसलिए तो लाया। तुम्हारा क्या घर में लेके सजाएंगे क्या? अरे बाबा बाबा जानी मसला ये नहीं है, सारे काम हम कराएंगे क्या, खुद कुछ नहीं करा सकते? शब्द कुछ खुद भी कर लिया करो यार। चलो भैया इलेक्शन में तो आप खड़े हो रहे हो। हाँ ठीक है, कितनी देर खड़े होते हैं ये नहीं पता। चलो अदा साहब, कैसा रहा आपका दौरा बाबा? अरे बाबा दिल का दौरा पड़ते पड़ते रह गया। क्यों बाबा क्या हुआ? क्या इलाके में बहुत गुर्बत और दुख है? अरे नहीं बाबा, वो शब्बन भाई गले पड़ गए थे। कुछ कहा तो नहीं उन्होंने? बड़ी मुश्किलों से जान छुड़ाई है शब्बन मियां से। ए तू तो चुप कर, मैं अपने अदा साहब से बात कर रही हूँ। क्या चीज है, सब बातें छोड़े, ये बताए मेरा साथ आपको कैसा लगा, कुछ फायदा हुआ? बाबा क्या फायदा हुआ है? क्यों भला क्या हुआ? अरे बाबा मोहल्ले में तो कोई मसला ही नहीं है, किसी को कोई मसला नहीं है बाबा, ना गटर का मसला, ना पानी बह रहा है, कुछ नहीं बाबा, सब सही है। मसला है इतने महंगे इलाके में घर लिया तो कहाँ से मसला मिलेगा? दासाई भला अब क्या होगा, अगला पैंतरा मैं सिखाऊंगा। अच्छा बाबा वो क्या? अरे भाई मसले नहीं है तो हम मसले पैदा कर देंगे, जीतने के बाद आप उनको हल कर देना। नहीं बाबा नहीं जानी, ये जीतने का गलत तरीका है। अरे बच्चू भाई जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे सब चलता है यहाँ पे। हाँ ना मुझे लगता है ये बाबा इलेक्शन से पहले मेरी जमानत ना जब्त करवाएगा। नहीं नहीं अदा, अब जाने में थोड़ी अकल है, बेफिक्र हो जाओ, थोड़ा तो कुछ बेहतर कर ही लेगा। किधर से समझदार लगता है तुमको? अरे बच्चू जाने से मदद मांगी है तो उस पे भरोसा भी तो करें। अरे बाबा ये मुझे उल्टे तरीके नहीं आते, थोड़ा बहुत तो चलता है ना बच्चू। अरे बाबा मैं इसीलिए तो तुम्हें कह रहा हूँ बाहर जाने का। अच्छा ठीक है, जानी आता तो मैं बात करती हूँ। हाँ बाबा थाने में बात करने से बेहतर है कि जानी से पहले बात कर लो। थाने में क्यों? हाँ बाबा उसकी हरकतें तो थाने में ही बात करने वाली है ना। आप फिक्र मत करें, मैं समझाती हूँ उसे। अरे जानी ये मैं क्या सुन रही हूँ? बाहर टीवी चल रहा है, उसमें खबरें चल रही है, वो सुन रही होंगी। अरे मैं खबरों की बात नहीं कर रही, ये तुम मोहल्ले में क्या करते फिर रहे हो? मैंने क्या किया? अरे बाबा वो जो मोहल्ले की चीजें खराब करते फिर रहे हो वो। बच्चों भाई आप भी बड़े भोले हैं, मैं बोला मोहल्ले की चीजें क्यों खराब करूंगा? तो फिर ये सब? असल में मोहल्ले वालों को सारी चीजें सही मिली, उनको कदर ही नहीं इन चीजों की, बस इनको ये एहसास दिलाने के लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ। हाँ बाबा वो सामने वाले सलमान साहब है ना, उनका पानी हर वक्त बहता रहता है बाबा। हाँ और वो सामने घर वाले दुर्दाना, उसके घर की लाइटें तो हर वक्त ऑन रहती हैं। हाँ और वो अपने कुदूसी साहब है ना, बहाने बहाने से कभी बोरिंग कभी वो गटर लाइन, इस चक्कर में सारा वक्त रोड खोदते रहते हैं वो। हाँ बाबा अगर ऐसा है ना तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मजीद चीजें खराब ना करना बाबा। नहीं टेंशन ना ले, मैं सब ठीक कर दूंगा। बस ठीक है, सही ठीक। आए क्यों थे बाबा तुम कमरे में? कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। भाइयों और बहनों, वावा वावा वावा। अरे जरीना पहले तकरीर शुरू तो होने दो। अच्छा शुरू हो जाओ पापा, शुरू हो जाओ। हाँ तो मेरे भाइयों और जानी की बहनों, बाबा अगर मैं इलेक्शन जीत गया तो मेकअप का सामान आधे दामों में दिलवाने की कोशिश करूंगा, सबको मैनिक्योर पेडिक्योर के साथ बाबा फेशियल फ्री। हाँ और बाबा हाइलाइट्स के साथ, हाइलाइट्स क्या होता है, हाइलाइट्स के साथ बाबा कटिंग भी फ्री। बच्चू ये क्या पढ़ रहे हैं आप? हाँ बाबा ये इलेक्शन की तकरीर है बाबा, ये किसी ब्यूटी पार्लर की डिस्काउंट लिस्ट है। क्यों बोला आता था, कोई मसला है क्या? नहीं बाबा मसला तो नहीं है, ये तकरीर कैसी लिखी है बाबा की? तो बोला इसमें बुराई क्या है? नहीं नहीं अदी इसमें बुराई कोई नहीं है बाबा, इस तकरीर से मैं ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन का इलेक्शन जरूर जीत जाऊंगा।
मगर कोई और इलेक्शन नहीं जीत पाऊंगा। बच्चों मैंने भी तो आपको लिख के दी थी। बाबा वो तो अंग्रेजी में थी ना वो, बाबा मैं तो पढ़ लूंगा, बाकी लोगों को समझ नहीं आएगी। अदा साहिब मेरे को याद है, जानी भी आपके लिए ना तकरीर लिख रहा है, मैं बोला जाके उसे पूछती कि उसने तैयार कर ली कि नहीं की है। हाँ याद आया, अब बच्चों की पब्लिसिटी का जो भी स्टफ था और बैनर्स वाला वो सब मैंने फ्लैश ड्राइव में डाल दिया था। जानी को बोलती कि फौरन प्रिंटिंग के लिए देकर आ जाए। ठीक है बाबा, चलो जाओ 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 बाबा जाओ। बाबा सीमा ने लिख के दी थी तकरीर, वो पढ़ के देखता हूँ। डियर ब्रदर, बाबा आगे क्या लिखा है? निकलो निकलो बाहर। अरे अरे मेरी, अरे मेरी बात तो सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ? सुनो, पागलों की तरह तुम अंदर घुस जाते हो। मुझे सारी बातें बर्दाश्त है, लेकिन कोई मुझे पागल कहे ये हरगिज बर्दाश्त नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ। अब जो बात मैं बताने वाला हूँ ना, वो तुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। वो क्या? ये यतीम खाना है, जब देखो मूड आके अंदर घुस जाता है। अब पहले टेंशन कम है क्या? अब मैं आ गया हूँ ना रानी, सारी टेंशनें खत्म हो जाएंगी, तुम फिक्र ना करो। हैं रानी? अबे भाई बात सुन, पहली बात तो ये मैं रानी नहीं, मैं जानी हूँ, और तेरे आने से नहीं तेरे जाने से परेशानी दूर होती है। चल देगा बाबला ना तो। अरे मेरा भाई, मैं ये कह रहा था इन पाइपों का क्या करना है, ये पाइप पड़े हैं, मैं इसलिए आया था मेरे भाई। अरे जानी भाई कहाँ जा रहे हो? अरे यार तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? बस यार वो हम चौधरी सफदर के पोस्टर छपवाने जा रहे हैं। चौधरी सफदर के पोस्टर छपवाने? इश्तियारी हो गए क्या? जैसे तुम्हारे साहब पोस्टर छपवा रहे हैं, वैसे हमारे साहब भी पोस्टर छपवा रहे हैं भाई। अच्छा, वो भी इंतखाबात में खड़े हो रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? आपस की बात है, मैं भी ना पोस्टर और बैनर ही छपाने जा रहा हूँ। अरे तो ऐसा करो ना, एक काम करो, पैसे हमें दे दो। हा? हम तो जा ही रहे हैं, बनवा के ले आते हैं तुम्हारे साहब के। वाह वाह वाह, क्या आइडिया दिया तुम लोगों ने यार, जबरदस्त, टाइम भी बच जाएगा। वैसे इंतखाबी निशान क्या है? बाल्टी। कौन सी? नहाने वाली? अबे जाहिल, दूध की बाल्टी। अच्छा अच्छा ठीक है, चल हम निकलते हैं, फिर छपवा देते हैं। अब आप सुन, ये पोस्टर पे बाल्टी लाजमी छपवाना। अरे अगर बाल्टी ना मिले तो फिर डोंगा डोंगा छपा दे। आजा चाय पिलाते। अरे नहीं 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 भाई, असल में अभी मैं जा रहा हूँ जरा लड़कियों के कोचिंग सेंटर, वहाँ बाहर मैं मेहमान खसूसी हूँ। कोचिंग के बाहर? तू नहीं समझेगा यार, देख रहे छोड़ यार, मैं जा रहा हूँ। अच्छा चल चल चल। अरे अरे वो जानी भाई पैसे तो दे दो। पैसे दे दूँ? अबे मैं खुद ही दे दूंगा, जो डिटेल बताई बस तू छपवा ले, वो जानता है मुझे। ठीक बेफिक्र हो जा, करवा ले। चलो ठीक है, आ जा यार काम कर। अरे बाबा ये जानी किधर रह गया है? बाबा ये तकरीर लिख रहा है या मुल्क का आईने लिख रहा है? आईने का तो पता नहीं, लेकिन आईने में देख के जरूर लिख रहा होगा। आईने में देख के? क्या खुद पे नजम लिख रहा है वो? अरे बाबा जानी, अरे जानी बाबा। आया आया आया, आ गया आ गया। जी बच्चू भाई। बाबा क्या हो गया, तकरीर नहीं लिखी क्या अभी तक? बच्चू भाई इतनी मेहनत से लिखी है, पढ़ के मजा आ जाएगा। दिखाओ बाबा दिखाओ। बाबा एक बार जो मैं इलेक्शन जीत गया उसके बाद। बाबा बाबा बाबा। अरे सरीना एक सेकंड, तकरीर सुनने तो दो पहले। सुना सुना बला। हाँ बाबा एक बार जो बाबा हाँ बाबा जो एक बार मैं इलेक्शन जीत गया तो मैं हर नौकर को मालिक बना दूंगा और कोई नौकर नहीं रहेगा, इलाके में सब मालिक बन जाएंगे। मेरा बस चले तो मैं अपना सब कुछ अपने नौकर के नाम कर दूंगा। आप सबसे पहले अपने नौकरों की तनख्वाह डबल करेंगे और बल्कि तीन गुना कर दें। ये घर ये महल्ला सिर्फ नौकरों की वजह से ही चल रहा है। वेल डन, जबरदस्त पढ़ी आपने। अरे बाबा ये तकरीर है या किसी नौकर की वसीयत? अरे बच्चू भाई मोहल्ले के जितने नौकर है ना, इन सब का वोट आपके कदमों तले होगा। और बाबा उन मालिकों का पैर मेरे सर पर। अरे छोड़े बच्चू, ऐसे काम नहीं चलेगा, तकरीर आपको खुद लिखनी पड़ेगी। हाँ बाबा मुझे भी लगता है मुझे खुद ही लिखनी पड़ेगी। पकड़ो बाबा अपनी तकरीर, बात करता है। सीमा मैडम अच्छी चीज की कोई कदर ही नहीं है, कितनी अच्छी लाइन है। ये घर ये मोहल्ला सिर्फ नौकरों की वजह से ही चल रहा है। वाह जानी वाह, ये सिर्फ नौकरों के बारे में ही लिखी गई है। चलो सानू की। शाबाश भाई, लाइन तो बिल्कुल सही बनाई है तुम लोगों ने। अब जा जल्दी जल्दी मुझे अपने मसले बताते जाओ। शाबाश। अरे जानी भाई वो सब तो ठीक है, मेरी नौकरी का क्या हुआ? अबे सारी नौकरी हो जाएगी, तू टेंशन ना ले, ये बस तू मुझे दे दे। तेरा भाई बच्चू भाई के पीछे इलेक्शन में उसके साथ है, फिर तू देख। चल शाबाश निकल। अरे जानी भाई मेरी बहन का एडमिशन हो जाएगा ना मेडिकल कॉलेज में। बेफिक्र होके तू जा, तेरे सारे काम हो जाएंगे, बस शाबाश जा निकल।
अरे जानी भाई, मेरे प्लाट का मसला था, उसका क्या हुआ? आए आए, प्लाट इतनी सी उम्र में इतने सारे प्लाट बना लिए, देख ये तो पैसे हो गए, और मजीद पैसे तूने मुझे बाद में भेजने, ठीक है? टेंशन नहीं लो, हो जाएगा सब, चल शाबाश हो जाएगा। अरे जानी भाई वो, अबे वो छोड़ यार, तुम मसले बाद में बताना, पहले पैसे दे दे, सारे काम तेरे हो जाएंगे। बस एक दफा बच्चू भाई को बन जाने दे कुछ, फिर देख मैं क्या करता हूँ। यार काफी सारे पैसे हो गए भाई के पास, काम कोई रह तो नहीं गया? पैसे वाला तो टेंशन में होता ही नहीं, काहे का काम, चल फिर घूम। तो कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। अरे बाबा कैसे लिख लेते हैं बाबा लोग तकरीरें, तकरीर लिखना तो बहुत मुश्किल काम है, कहाँ फंस गया बाबा। अच्छा बाबा तकरीर क्या जरूरत है बाबा तकरीर लिखने की, जो दिमाग में आएगा वो लिख दूंगा। हाँ ये ठीक है, लेकिन बाबा अगर दिमाग में उस वक्त कुछ ना आया तो? अरे बाबा बच्चू कहाँ फंस गया है तू? बच्चू आप कुछ डिस्टर्ब लग रहे हैं मुझे। नहीं बाबा डिस्टर्ब तो नहीं हूँ, बस वो तकरीर लिख रहा था। हाँ और आपसे तकरीर लिखी रही जा रही है। अरे बाबा तुमको कैसे पता चला, तुम क्या दिलों का हाल पढ़ने लग गई हो? आपकी शक्ल से साफ पता चल रहा है। हाँ बाबा ऐसा ही कुछ है, तकरीर लिखी नहीं जा रही है मुझसे। आपको किस बेवकूफ ने मशवरा दिया था कि आप इलेक्शन में खड़े हो? अरे बाबा किसी बेवकूफ का तो नहीं पता, लेकिन एक अकलमंद ने दिया था, वो मेरे सामने ही बैठी है। अच्छा हट छोड़े ये सारी बातें, आप ये सोचें कि इलेक्शन जीतने के बाद आप सोसाइटी में कौन कौन से काम कराएंगे। अरे बाबा ये तो बहुत मुश्किल सवाल है, ये तो मैंने सोचे ही नहीं बाबा। वो क्यों? बाबा क्या करूंगा बाबा, सोसाइटी में जो काम होने थे अच्छे वाले बाबा वो तो हो चुके सारे। अरे आप भूल गए, जानी ने जो इतने काम खराब किए वो कौन ठीक कराएगा? हाँ बाबा ये आइडिया अच्छा है बाबा, वही कर लूंगा बाबा, ठीक है। बस अब आप उस पे फोकस करें बाबा। फिर तकरीर लिखूं नहीं लिखूं? नहीं नहीं लिख लें, लोग आएंगे तकरीर तो कुछ ना कुछ तो करनी पड़ेगी ना। बाबा सी तुम लिख दो ना। नहीं नहीं ये मुश्किल काम है, मुझसे नहीं होगा, आप खुद करें। नहीं नहीं आपका काम है। अरे बाबा पढ़ी लिखी का ये हाल है तो हमारा क्या हाल होगा? अरे पोस्टर ले। अरे जानी भाई वो हम दोनों तो आपसे माफी मांगने आए। क्यों, कल क्या शबे बारात है जो माफी मांगने आए? क्या मतलब? अब मतलब ये कि अक्सर लोग शबे बारात में आ जाते, भाई हमें माफ कर दो इसलिए। अरे जानी भाई उसमें तो अभी काफी अरसा है। हाँ चलो एडवांस में मांगने आए होगे, चलो माफ किया। सच्ची में? हाँ तुम अभी जानी के दिल को नहीं जानते, मेरा दिल बहुत बड़ा है। तो तुम्हें ये बता दूं मैं, बहुत जल्द मैं बड़ा आदमी बनने वाला हूँ, बस फिर दूर दूर से लोग आएंगे मुझसे मिलने। अच्छा तो फिर हम चलें? हाँ आ जाओ कोई मसला। अच्छा वो चौधरी साहब भी आएंगे मिलने के लिए? क्या माफी मांगने? वो जानी भाई तुम देख लेना, हम तो जा रहे हैं। अच्छा कमाल है, क्या हो गया भाई, चौधरी साहब आ रहे हैं माफी मांगने, सब लोगों को क्या हो गया आज? मुझे लगता है सबको पता चल गया कि मैं बड़ा आदमी बनने वाला हूँ, इसलिए शायद सब लोग आ रहे हैं दूर दूर से और मुझसे माफिया मांग के जरा पीआर बना रहे हैं। चलो अच्छा हो गया, शलवार कमीज बनवा लूंगा मैं जरा टाइट वाली। चलो ओके। अरे बाबा जानी काफी देर से नजर नहीं आया, किधर है बाबा? यही होगा, वो कह रहा था कि मोहल्ले से कोई मिलने आया है, बाहर होगा। अदा सही, वैसे अभी तक आप इलेक्शन भी जीते नहीं और लोग आपसे मिलने के लिए आ रहे बाबा। इस वक्त कौन आया होगा? जाने, ओ जाने। अरे बाबा देखो दरवाजे पे कौन है। अच्छा हाँ बाबा देखो कौन है। कौन है बला? आइए आइए आइए, चल सब आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, चौधरी साहब कैसे हैं बाबा? जी मैं ये मिठाई लाया थी। लाई लाई। और शुक्रिया अदा करने आया था। शुक्रिया किस चीज का? अरे भैया बच्चू भाई मेरे खिलाफ इलेक्शन में बैठ गए ना। हैं ये कब हुआ? ओ यार जानी तूने पैसे दिए थे ना बैनर और पोस्टर के मेरे बंदे को, तो इलेक्शन में बहुत खर्चा हो गया तो मेरे पास पैसे नहीं बचे थे।
ओ जानी, तूने पैसे दिए थे ना बैनर और पोस्टर के मेरे बंदे को? हाँ दिए थे मैंने। तो उन पैसों के मैंने पोस्टर बना लिए। अरे बाबा, उन पैसों को पोस्टर बना दिया है? हाँ, मेरे आदमी को जानी ने पैसे दिए थे। हाँ, वो तो मैंने अपने पोस्टर बनवाने के लिए दिए थे। तुमने तो कहा था जानी कि अगर बाल्टी ना हो तो डोंगा ही छपा देना। और बिल्कुल कहा था, बिल्कुल कहा था। तो डोंगा तो मेरा इंतखाबी निशान है, तो सारे पोस्टर डोंगे के छपा दिए हैं। वो तो मैंने ऐसी कॉमेडी सीन बनाने के लिए ऐसी बोल दिया था। तो आप इसको ट्रेजेडी सीन समझ के एक्सेप्ट कर लो। अच्छा जी, बहुत बहुत मेहरबानी, अल्लाह हाफिज। अच्छा बेटा, मैं समझा माफी मांगने आया। अरे बाबा, मैंने अब फैसला कर लिया, दोबारा पोस्टर बनवाने का। अरे नहीं बाबा, इलेक्शन ना लड़ने का। वो भला क्यों? अरे बाबा, इसलिए कि मैंने बहुत सोचा है और मुझे यही समझ में आया कि बाबा जो काम कर रहे हो ना बाबा, उसे ईमानदारी के साथ कर, इससे अच्छी अपने मुल्क की खिदमत ना नहीं हो सकती। शाबाश बच्चू। अब वैसे भी मैं तो पहले से यही चाहती थी। बाबा, मैंने ना शादी के लिए ना एक लड़का पसंद कर लिया बाबा। अरे बाबा, लड़का लड़का लड़का, तेरे को लड़के के अलावा कोई और बात आती नहीं है क्या? अभी फोन रखो, मैं किसी के साथ हूँ। रात मैंने ना पापा को ख्वाब में देखा। अरे अल्लाह पाक बाबा आपको सबर दे इतना भयानक ख्वाब देखने पर। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं पापा की बात कर रही हूँ, बाबा साईं की नहीं। गाँव में काम, मुझे लगता है यहाँ ज्यादा रहते हैं वो। बेग साहब, बेगा की बातें मत करें, जाएं बाबा। अभी क्या हो गया, दिमाग खराब है तुम्हारा क्या? दुम पे पांव पड़ गया है? अगर आप लोग हमारे साथ चल के शॉपिंग में हमारी मदद करते तो मेहरबानी होती। हाँ बाबा, क्यों नहीं, मदद तो बिल्कुल हो जाएगी बाबा। बताओ कितने पैसे चाहिए, बताओ बाबा बताओ। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर तो वाकई कमाल का है भाई। यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता, मेरा ऐसा रूप और दबदबा है। अच्छा वो दबदबा, लेकिन दरवाजा तो कोई भी खोलने नहीं आया। अरे मौला दाद हो, हैदराबाद हो, जिंदाबाद हो, पाइंदाबाद हो, बस जाओ यहाँ से। मैं फिर भी यही कहूंगा, बार 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 बार, चलो चलो चलो, चले चले चले। अरे चलो भाई, ये मेरा बहुत पुराना दोस्त है, अमेरिका से आया है। इतना पुराना है तो पहले जाके किसी अजायब खाने में रखे के आ जाओ ना, ये पुरानी चीजों को पहले क्यों ले आते हो? नहीं मतलब क्या है बट्टा सट्टा, जो नौकर वो जाकर भी अंदर भी है बाहर।